प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। पुराने जमाने में एक बादशाह अपने मसाइबीन के हमराह चमन की सैर कर रहा था। शायरा के किनारे एक सूफी दरवेश अब्दुल आवाज लगा रहा था, है कोई सखी जो मुझे एक साथ दिनार दे और मैं इसको एक अच्छी नसीहत करूं, उसे एक काम की बात बताऊं। बादशाह ने यह सदा सुनी, वो रुका और इसने सूफी अब्दुल से कहा, अब्दुल वो कौन सी अच्छी नसीहत है, जरा हमें तो बताओ। दरवेश ने बिला झिझक कहा, हुजूर पहले निकालिए मेरे 100 दिनार, जैसे ही 100 दिनार मेरे हाथ पर होंगे मैं अपनी बात आपको फौरी तौर पर समझा दूंगा। बादशाह मुअज्जम ने अपने दीवान को फौरन 100 दिनार दरवेश के हवाले करने का हुक्म दिया और चाहा कि वो उस दरवेश की गैर मामूली नसीहत से फैजयाब हो सके। दीवान ने हुक्म शाही की फौरन तामील की और बादशाह ने दरवेश से कहा, बाबा करो नसीहत। दरवेश ने कहा, बादशाह सलामत मेरी नसीहत यह है कि अंजाम के बारे में गौर करने से पहले कोई भी काम शुरू मत करें। यह नसीहत सुनकर तमाम मसाहिबीन हंस पड़े। उन्होंने कहा, अब्दुल अपनी रकम पहले बटोरने में कामयाब रहा है। लेकिन मसाहिबीन के ख्याल के बरक्स बादशाह ने अपने मसाहिबीन को टोका, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप ऐसी अच्छी नसीहत की हंसी उड़ाएं। कोई शख्स भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हमें हर काम शुरू करने से पहले इसके हुस्न व कबाह पर अच्छी तरह गौर कर लेना चाहिए। हम सब इस हकीकत से बाखबर होने के बावजूद अपने रोजमर्रा के मामलात में इस अच्छी बात पर अमल ना करने के जुर्मदार हैं। अपने इस जुर्म के बुरे नतीजे से अपना दामन बचाने से भी कासिर हैं। बादशाह ने इस मुफीद नसीहत को हमेशा याद रखने का फैसला किया। उसने हुक्म दिया कि नसीहत सोने से महल की दीवारों पर जगह जगह तहरीर कर दी जाए, जबकि इसकी चांदी की प्लेट पर भी सोने से कंधा कर दी जाए। शाही हुक्म की तामील कर दी गई। ये नसीहत ना सिर्फ सुनहरी हरूफ में बल्कि सोने से तहरीर कर दी गई। ज्यादा अरसा ना गुजरा था कि मसाहिबीन में से एक मसाहिब ने बादशाह को कत्ल करने की साजिश तैयार की। उसने साजिश में शाही तबीब और जराह को भी शामिल कर लिया। उसने शाही जराह को वजारत उज़्मा रिश्वत में पेश कर दी। साजिश की कामयाबी की सूरत में जराह को वजीर आजम बना देने का सुनहरी वादा कर लिया। तय हो गया कि शाही जराह जहर में बुझे हुए छोटे नेजे की अनी बादशाह के बाजू में चुभा कर इसका किस्सा तमाम कर देगा। नतीजे के तौर पर साजिशी बादशाह और जराह वजीर आजम बन जाएगा। मुकर्रा वक्त पर शाही जराह साजिश के मुताबिक बादशाह की खलवतगाह में दाखिल हो गया। बादशाह के बाजू से गंदा खून निकालने के लिए फसद करवाने पर बादशाह को आमादा कर लिया। बादशाह राजी हो गया। खिदमतगार बादशाह का गंदा खून निकालने के लिए चांदी का बर्तन उठा लाए। शाही जिरा ने इस बर्तन का मुलायजा किया तो इसकी निगाहें एक तहरीर पर अटक कर रह गई। तहरीर था, अंजाम के बारे में गौर करने से पहले कोई काम शुरू मत करो। ऐन इसी लम्हे बिजली की तरह इसके जहन में एक ख्याल आया, अगर बादशाह कत्ल हो गया और साजिशी बादशाह बन भी गया तो क्या जरूरी है कि वो इसे वजीर आजम बनाएगा। जो शख्स अपने बादशाह को कत्ल करवा सकता है वो अपने मौजूदा वजीर आजम को भी कत्ल करवा सकता है। उसकी गर्दन मरवाने में उसे कौन सा अमर माने हो सकता है। बादशाह ने देखा कि शाही जिराह थर थर कांप रहा है। बादशाह ने उससे दरियाफ्त किया कि इसे क्या परेशानी लायक। तब शाही जिराह ने एतराफ गुनाह करते हुए तमाम साजिश से मनो अन बादशाह को आगाह कर दिया। बादशाह ने फौरी तौर पर साजिशी को गिरफ्तार करवा दिया और इन तमाम मसाहिबीन को अपने पास तलब कर लिया जिन्होंने दरवेश अब्दुल की नसीहत की हंसी उड़ाई थी। जब सब लोग हाजिर हो गए तो बादशाह ने दरियाफ्त फरमाया, क्या अब भी आप लोग दरवेश का तमस्खर उड़ाना पसंद करेंगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।